हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये हम सभी पढ़ चुके हैं कि डायमीटर क्या है। एक सर्कल के दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन जो कि उसके सेंटर से क्रॉस होती है। जैसे इसमें ये ए और बी लाइन इसके सेंटर को क्रॉस करती हुई इसकी एजेस को पेरीमीटर को टच कर रही है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सी इज द सेंटर। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। अब डायमीटर को हमें रेडियस की टर्म में एक्सप्रेस करना है कि डायमीटर क्या होती है। तो देखिए, रेडियस क्या होती है, सेंटर पॉइंट से आउटर पॉइंट तक कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है, हमारी रेडियस है। तो यहां पे रेडियस कौन कौन सी हो गई, रेडियस इस पिक्चर में क्या हो गई, एक तो यहां पे दी है सी से पी तक, तो सी पी, और क्या हो गई, सेंटर से कोई भी लाइन चाहे यहां पर आ रही है चाहे ये आ रही है, कोई भी एनी लाइन सेंटर से जो स्टार्ट होके उसकी पेरीमीटर पे टच होती है वो रेडियस है। तो सी से ए भी क्या है, रेडियस है, और सी से बी भी क्या है, रेडियस है सी बी। तो ये सभी क्या है, रेडियस। और यहां पे डायमीटर क्या है, ए बी। अब ए बी को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ए सी प्लस सी बी, यहां से ये और ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हमने ए बी को, ए सी प्लस सी बी। अब हमने ऊपर देखा है ए सी और सी बी तो दोनों ही रेडियस है, तो इसको जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर, तो ये क्या हो गया हमारा डायमीटर, 2R। तो रेडियस की टर्म में डायमीटर हो गया 2R, मतलब रेडियस का डबल डायमीटर होता है।